नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच गए हैं सोलन के नौनी यूनिवर्सिटी के पास। ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो आज आपको दिखाएंगे हम ये नौनी यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है। छोटा सा शहर है, ये कैंपस है नौनी यूनिवर्सिटी का, यही है ना। ये मेन गेट है नौनी यूनिवर्सिटी का। ये सोलन से रास्ता आ रहा है और ये जो इस तरफ से है सिरमौर राजगढ़ से आ रहा है इस तरफ से। ये है नौनी यूनिवर्सिटी का मेन गेट है। अब चलिए अंदर चलते हैं, आपको अंदर दिखाते हैं कैसी है। आराम से। तो ये है नौनी यूनिवर्सिटी का कैंपस, आप देख पा रहे होंगे इसको। ये स्टेट हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट है। यहाँ बाहर से भी आते पढ़ने को? कहाँ से? बहुत जगह से आते हैं। हाँ, तमिलनाडु, केरला। तो ये नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है, लोग बहुत बहुत दूर से हर स्टेट से यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई के लिए आते हैं। और ये बहुत बड़ा कैंपस है, लगभग कितने किलोमीटर होगा ये? 8 से 10 किलोमीटर का ये कैंपस है टोटल जो है। आराम से चलना, हम शूट करते हुए चलेंगे, मेरे को बताते भी चलना। कौन सा? ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है यूनिवर्सिटी का। आराम से चलो भाई, ताकि यूनिवर्सिटी का कैंपस है, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा कैंपस है ये। आपको पूरा दिखाएंगे इसको। वीरभद्र किसान भवन है, इसमें हम चलेंगे अभी यूनिवर्सिटी का, यहाँ से ऊपर को। इधर को गया तो ये बहुत ही खूबसूरत है। ये यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस है लेफ्ट हैंड साइड में, जिस तरफ हम जा रहे हैं आप ये देख पा रहे होंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल आपको मिलेगी, हर प्लांट आपको अवेलेबल मिलेगा। तो ये जो है ये गेस्ट हाउस है। हाँ जी, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये आपका सोलन और सिरमौर की बिगनिंग और सोलन का एंड है। ये बॉर्डर है जहाँ पे यूनिवर्सिटी है बेसिकली, आप देख पा रहे हैं। बहुत बड़ा ये कैंपस है, एक बार में इसको दिखा नहीं सकते, कोशिश करेंगे इसको दिखाने। जो मेन मेन चीज़ है वही दिखाना है ना। वो देखिए नीचे ग्राउंड, कितना बड़ा ये ग्राउंड है। कोशिश करेंगे यहाँ जाने की। अभी आप ये ओवरव्यू, वो स्टेटमेंट स्ट्रोक लाइब्रेरी है, और देखिए सामने ये यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, यहीं जाएंगे अभी हम। और उधर सामने आप वो मॉनेस्ट्री देख रहे हैं, बहुत दूर है, कोशिश करेंगे आपको वहाँ भी लेके चलेंगे। तो अभी हम आपको लेके जा रहे हैं जो ग्राउंड है नौनी यूनिवर्सिटी का, वहीं जा रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, मेन ग्राउंड है ना, यहाँ स्टेट लेवल पे फुटबॉल, क्रिकेट मैचेस सब कुछ होता है, वॉलीबॉल मैचेस। अच्छा, स्टेट लेवल पे? स्टेट लेवल का रहता है। अगर आप तो स्टेट लेवल का यहाँ पे मैचेस होते हैं। बहुत बड़ा ये कैंपस है, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा ग्राउंड है। ये जगह बहुत खूबसूरत है। ये कैंटीन है इस तरफ, आप देख पा रहे हैं। ये हेल्थ सेंटर है, ये सॉरी हेल्थ सेंटर है ये।
और आगे उस तरफ ये ब्लॉक्स हैं, लाइब्रेरी मिस्टर है, कैनन स्टोक लाइब्रेरी जो हम ऊपर ये चल रहे हैं। लाइब्रेरी है उस तरफ। तो हम चलते चलते कवर कर रहे हैं, टू व्हील्स में ऐसे इसको कवर करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये लाइब्रेरी से इस साइड है ना, आगे क्या है? एडमिन ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिन ब्लॉक, एडमिन ब्लॉक। ये बोटैनिकल गार्डन है यहाँ नीचे। अच्छा, ये एडमिन क्या है? एडमिन ब्लॉक है, ये कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर है, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, और ये आध्यानिक। बोटैनिकल गार्डन कहाँ है बोटेनिकल गार्डन? ये नीचे वाला, अच्छा। इधर जीजू जी बोर्ड भी लगा है, बोर्ड भी लगा है बोटैनिकल गार्डन। अच्छा, ये बोटेनिकल, ये यूनिवर्सिटी का बोटेनिकल गार्डन है जिसमें लॉक लगा हुआ है, हम नीचे नहीं जा सकते उसमें, आपको ऐसे दिखा सकते हैं। नीचे तक तो बहुत बड़ा होगा ना? अच्छा, और ये ऑडिटोरियम है, ये ऑडिटोरियम में जो भी मतलब देते हैं, आगे इस साइड दिखा देते हैं। बहुत बड़ा कैंपस है ये। ये देखो यहाँ पे आपका ये गोल्फ कार्ट भी है, ये कहाँ के लिए है? यहीं पे है, ये है आपका कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री ब्लॉक 1। ब्लॉक 1, अलग अलग ब्लॉक्स अलग अलग क्लासेस लगती हुई है ना। वहाँ ब्लॉक 2 है, कहाँ पे? देखो उस साइड को। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत कैंपस है ये। एक दिन में इसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है, हाँ काफी बड़ा। तो जो कहना है कि एक दिन में इसको कवर नहीं कर सकते, ऐसी कम है इसके लिए। स्टूडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का ये ब्लॉक है, और ये आपका, ये हॉस्टल्स है यहाँ, हॉस्टल्स है ये वाला रास्ता, अच्छा हॉस्टल्स ये है। नीचे हॉस्टल है इस तरफ को, ठीक है, ऊपर ग्राउंड, ये ऑडिटोरियम में जो सामने जिम वगैरह, इसमें इंडोर गेम्स सब कुछ है। चाहूँगा ये डॉक्टर बाईएस परमार हैं जो कि हिमाचल के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, जिन्होंने ही इसका ये सेटअप किया हुआ है, और इनका ये होम टाउन भी है, मैं आपको बताता चलूँ। आप देख सकते हैं 1906 टू 1981, ये आप इसको पढ़ सकते हैं। यही हिमाचल के पहले चीफ मिनिस्टर थे जब हिमाचल अलग राज्य बना था, और इन्हीं के नाम से ये यूनिवर्सिटी का भी नाम है। नौनी जगह, नौनी यूनिवर्सिटी इसको बोलते हैं, डॉक्टर बाई एस परमार यूनिवर्सिटी है ये। देखिए आप, ये प्लेग्राउंड है यूनिवर्सिटी का, ये डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल प्रदेश में है ये। और जो स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है ये। स्टेट बैंक है यहाँ पे, यूको बैंक है यहाँ पे, पूरी फैसिलिटी है यहाँ पे। ये मधुमक्खी पालन क्षेत्र प्रयोगशाला है यहाँ पे। ये स्कूल है चिन्मया स्कूल, ये नॉनी यूनिवर्सिटी का ही स्कूल है, जो एम्प्लॉई हैं और जो उनके बच्चे होते हैं उसी के लिए है ना। फॉरनर्स के बच्चे भी आते हैं यहाँ पे। ये खेत हैं देखिए, ये यूनिवर्सिटी के, जिसमें ये, अब हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है तो ऑब्वियसली वो तो होगा ही। अब आप ये देखिए सामने जो ये पहाड़ी है, ये बड़े वाली पहाड़ी, इससे इसका जो बेस है, आप ये बेस देख पा रहे होंगे, इसके अंदर का जितना भी ये एरिया है ये इस यूनिवर्सिटी का है। और ये आप देख रहे हैं, आप ये देखिए, ये राइट में है, ये पुराना बास्केटबॉल कोर्ट है, और ये उधर है सामने आपके, ये देखिए आप कितनी अच्छी वाली है। और ये उस तरफ ये सिरमौर पड़ गया फिर है ना, ये जो सामने उधर है, ठीक। चलिए अब आपको दिखाते हैं रिसर्च फार्म जो है, डिपार्टमेंट ऑफ वेजिटेबल साइंस। अच्छा,
अच्छा, यहाँ वेजिटेबल मिलेगी देखने को, मतलब। हाँ जी, तो यहाँ रिसर्च फार्म। बेचते भी हैं? अच्छा, बेचते हैं। है देखिए, ओरिएंटल सरसों ये है आपका, ये तो बिल्कुल सारा अलग अलग है। स्पिनच आपका, स्पिनच, और ये आपका धनिया। अच्छा, ये बेचते हैं मतलब फिर इनको, है ना, जब ज़्यादा उग जाते हैं तो। ये क्या चीज़ है? ये भी पालक ही है? ये कौन सी वैरायटी है ये पता नहीं। ओरिएंटल सरसों। अच्छा, ओरिएंटल सरसों है ये। हाँ हाँ ठीक है, इसका कलर अलग हो गया। और ये आपका लगा हुआ है कैबेज, ये देखिए, ये कैबेज है, ये देखिए कैबेज लगी हुई है, ये देखिए, ये इसमें ये कैबेज लगी हुई है, देखिए आप, ये तैयार हो रही है। ये पकचोई आगे, आपका अनियन लगा हुआ है इस तरफ, कसूरी मेथी, लेट्यूस, ये जिंजर, आप देख सकते हैं ये जिंजर है, ये आपकी टर्मरिक है, स्टावरी, ऐसे ऐसे प्लांट्स हैं यहाँ जो देखने को नहीं मिलते, हर प्लांट आपको ही मिलेगा। गलगल, अभी कुछ प्लांटेशन आप देख रहे हैं, चाइव, अभी चाइव, ये जो है ये प्लांट किस चीज का है, ग्लोब आर्टिचोक। तो ये था नौणी यूनिवर्सिटी का टूर, आप ये देख पा रहे हैं इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है, ये तो आप नहीं कह सकते क्योंकि ऑब्वियसली हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो हर चीज़ है इसमें, आपको दिखा नहीं पा रहे हैं हम। ये रोज़ गार्डन है, ये रोज़ गार्डन है, क्योंकि हर चीज़ अवेलेबल है, हर वेजिटेबल अवेलेबल है, हर चीज़ इसमें अवेलेबल है। तो अब हमारा मकसद यही था कि थोड़ा आपको आइडिया लगे नौणी यूनिवर्सिटी का, ये मेन गेट है नौणी यूनिवर्सिटी का, अभी हम एग्ज़िट कर रहे हैं अब इससे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये, ऊपर जाते रहिए।